जो अभी रिसेंट में नए बच्चे जो नए खिलाड़ी आए उनको छोड़ के बाकी पुराने तो सबके साथ खेले। कुछ चेहरे के नाम बता दो। सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, विराट कोहली, धोनी, आज धोनी का जन्मदिन भी है। हमारी रणजी ट्रॉफी की शुरुआत इकट्ठी हुई थी। अच्छा, तो हमारा गुड़गांव में मैच था, मेरा दूसरा साल था रणजी ट्रॉफी में और धोनी का भी वो दूसरा ही साल था। तो धोनी ओपनिंग करने आया था, मैं और जोगिंदर शर्मा हरियाणा की टीम में थे। धोनी उस टाइम पे बिहार की टीम होती थी, झारखंड नहीं होती थी। तो धोनी ने हमारी खूब पिटाई करी थी, ओपनर आया था 85 87 रन बनाए थे कुछ। लकीली फिर जब हमारी बैटिंग आई तो मैंने और जोगिंदर शर्मा ने भी उनकी मतलब अपना पूरा बदल लिया। तो जोगिंदर ने 78 रन बनाए थे, मैंने 137 बनाए थे। अच्छा, मतलब को लाइव में ऐसा मैच भी हुआ जी जो अपना जोगर पहली बॉल पर आउट हो गए हो? मेरा आईपीएल का पहला मैच था, जो मेरा डेब्यू मैच था उसमें मैं पहली बॉल पर आउट हो गया था। आईपीएल का रिकॉर्ड की बात करा, मतलब अपना की कुछ अपना बना रहे, बहुत सारे लोग ने कहा है क्रिकेट में स्पैरस चल रहा है अपना, हरियाणा वाले का तो खाता है। बचपन जैसे किसान परिवार में नॉर्मल बच्चे का रहता, वैसा ही मेरा भी बचपन ऐसा ही था कि भाई आप सब भी नॉर्मल बैकग्राउंड से हो तो सबके एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ होते हैं। भाई मैंने भी आजकल का जो ये चमासे का मौसम है, अपनी छत मैंने भी चुंदी देख रखी है। हाँ, तो सारी चीज़ें मेरे पिताजी जो है चलती बारिश में ऊपर जाके फिर उसने मूंद गाए करे थे, जो भी होएगा जो चूना होए करे था छत, तो सारे तजुर्बे भाई देख रखे हैं। बस में आना जाना होए करे था, तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी चीज़ मतलब विरासत से कुछ नहीं मिली, सब चीज़ें मेहनत करके मिली हैं। आईपीएल में कैसे जाना हुआ फिर, कैसे संपर्क हुए जी? नहीं, संपर्क नहीं है, तो जैसे मैं रणजी ट्रॉफी खेलता था तो रणजी ट्रॉफी में जिनके प्रदर्शन अच्छे होते हैं इनके टैलेंट स्काउट रहते हैं आईपीएल टीमों के, जो हर एक जहां मैच चल रहे होते हैं वहां पे मौजूद होते हैं, तो वो लोग बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करते हैं। है बहुत महंगा गेम है, लेकिन फिर भी अपना कुकर इंटरेस्ट बने, एक नॉर्मल फैमिली था, किसान फैमिली था, उन्होंने अपना सरपंच हो है गाँव का, अपना जो छोटे छोटे हुए करते हैं उसका सामान मांगना जाए करते, हमारा क्रिकेट का सामान दे दे, हमारा प्रैक्टिस करनी है। कदे आप भी गए जी सरपंच का? स्टेमिना स्ट्रेंथ पावर बढ़ाना चाहते हो और आप लोग सप्लीमेंट ले रहे हो तो उसकी जगह आपको शिलाजीत, अश्वगंधा, ये चीजें ट्राई करनी चाहिए और इसका रिजल्ट जरूर मिलता है। मैंने भी यूज किया, अच्छा रिजल्ट मिला है। और जो हमारे देश के अच्छे प्लेयर है, हर कोई इधर से प्रोडक्ट लेता है, यूज करता है, उसका रिजल्ट भी मिलता है। आप लोग देख सकते हो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लोग स्वर्ण आयुर्वेदा का के प्रोडक्टों का यूज करें। और इस जो ये फैक्ट्री है वो रोहतक के अंदर है, मैं इधर खुद आई हूँ, हर चीज देखी है, सब अच्छा है और ऑनलाइन का भी है, आप घर बैठे से मंगवा भी सकते हैं। नीचे नंबर मेंशन किया है, आप इस पे कांटेक्ट करें और अपना स्टेमिना स्ट्रेंथ का ध्यान रखें। थैंक यू। वीआईपी हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मधु जागलान की राम राम। फिलहाल करनाल में मौजूद हूँ और भाई अपना हरियाणा की बात करा तो कबड्डी और कुश्ती बहुत आगे अलग लेके गया, हरियाणा की बात करें तो बहुत सारे देश टाइम मेडल दे है। लेकिन आज क्रिकेट का पहला इंटरव्यू है, एक इंटरनेशनल प्लेयर सुमित नरवाल आज हमारे साथ है, तो पूरी बातचीत करांगे कैसे क्रिकेट माना और इतना ऊपर तक कैसे पहुंचे हैं। तो सबसे पहले राम राम। राम राम भाई, थैंक यू भाई, आप लोग हमारे करनाल में आए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, सबसे पहले तो आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुमित नरवाल है और मैं गांव चिड़ाव का रहने वाला हूँ, करनाल के पास ही मेरा गांव है। किसान परिवार से संबंध रखता हूँ, किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, आज भी हमारी रिहायश गांव में ही है। पिताजी मेरे किसान है, माताजी गृहिणी है, मेरी वाइफ लेक्चरार है, छोटा भाई मेरा गांव का सरपंच है। अच्छा, जो आप हरियाणा की बात करा जी, कबड्डी और कुश्ती में मतलब 10वीं 12वीं होंगे फौज कहानी जी या पुलिस कहानी ज़्यादा ट्राई करा, क्रिकेट में कैसे इंटरेस्ट बने अपना? हमारे गांव की अच्छी टीम थी, मेरे पापा बहुत अच्छे क्रिकेट खेला करते थे। उस समय पे ये नहीं पता था रास्ता कहाँ से आगे जाने का है, पर गांव की टीम बहुत अच्छी थी, हमारे गांव में बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, बस उन्हीं को देख देख के हमारा रुझान हुआ क्रिकेट की तरफ, हम भी खेलने लगे बचपने में। अच्छा, खेलते खेलते ऊपर वाला अपने आप रास्ते दिखाते चला गया और आज आपके सामने है। क्रिकेट न्यू कहो है बहुत महंगा गेम है, लेकिन फिर भी अपना कुकर इंटरेस्ट बनाया, एक नॉर्मल फैमिली था, किसान फैमिली था, उन्होंने भी नहीं, महंगा गेम है, बट गांव में आपको पता है कि भाई जब टीम खेलती है गांव की तो ग्राम पंचायतों की तरफ से सामान होते हैं और बाकी मेरे फादर साहब और खेती करते थे, सब लोग जो है अपना कमा रहे थे, तो
कंट्रीब्यूट करके अपना स्किट वगैरह अरेंज कर लेते थे गांव में। तो जब हम बच्चे होते थे वो सामान जब खेलने के बाद हमारी बैठक में रहता था, तो उनके आने के बाद मैं और मेरा छोटा भाई वो सामान पहन के खेलते थे। तो ऐसे ही धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होता गया, फिर अपना स्टेडियम में आना शुरू कर दिया। बस में बैठ के स्टेडियम आते थे, तो वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, कौन सी क्लास में थे, कितना की एज थी जब आपने क्रिकेट की शुरुआत करी थी? क्रिकेट की शुरुआत तो हम बचपन से ही खेल रहे थे गांव में तो, पर अगर जो बात करी जाए कि भाई अच्छे प्रोफेशनल तरीके से कहाँ पे मेरी शुरुआत हुई, वो हम लोगों ने कॉलेज टाइम में जब मैं दयाल सिंह कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, तो मैं फर्स्ट ईयर में था जब, मेरे ख्याल में 12 या 13 साल से दयाल सिंह कॉलेज की टीम कभी यूनिवर्सिटी में जीती नहीं थी। तो हम लोगों ने उसको उस साल पहले फर्स्ट ईयर में आते ही हम लोग उसको थर्ड पोजीशन पे लेके आए थे। फिर मेरा इंटर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, वहाँ से फिर मैंने दिल्ली का एक क्लब ज्वाइन करवाया मेरे सीनियर्स ने, तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई मेरी फिर। अच्छा, स्टडी की बात करें, स्टडी कहाँ तक होगी जी अपनी? मैं ग्रेजुएट हूँ, बीए करने के बाद फिर एमए के एक एक साल दो तीन सब्जेक्टों में करे हैं, पर वो खेलने के लिए एडमिशन थे। अच्छा, जो हरियाणा के जो कबड्डी या कुश्ती वाले प्लेयर हुआ, पढ़ाई में थोड़े लूज हुए क्योंकि टाइम नहीं देना पाते, दोनों टाइम प्रैक्टिस करनी पड़े, आप किसे थे जी पढ़ाई में? ठीक थे, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वैसे थे, अपना पास हो जाते थे बढ़िया। हाँ, कभी ऐसा नहीं था कि भाई मतलब मेरिट वाले नहीं थे, पर ये भी नहीं थे बिल्कुल डंप नहीं थे बिल्कुल। अच्छा, जो अपनी नॉर्मल फैमिली थी, मतलब किस किस चीज़ें तरसे हो जी, मतलब अपना जो बचपन की किस उसमें गुजरिया है? बचपन जैसे किसान परिवार में नॉर्मल बच्चे का रहता, वैसा ही मेरा भी बचपन ऐसा ही था कि भाई आप सब भी नॉर्मल बैकग्राउंड से हो, तो सबके एक्सपीरियंस कुछ ना कुछ होते हैं। भाई मैंने भी आजकल का जो ये चमासे का मौसम है, अपनी छात मैंने भी चुंदी देख रखी है। हाँ, तो सारी चीज़ें मेरे पिताजी जो है चलती बारिश में ऊपर जा कर फिर उसने मूंद गाए करे थे, जो भी जो चूना होया करे था छात, तो सारे तजुर्बे भाई देख रखे हैं। बस में आना जाना होया करे था, तो ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी चीज़ मतलब विरासत से कुछ नहीं मिली, सब चीज़ें मेहनत करके मिली हैं। अच्छा, जो क्रिकेट की बात करा, हरियाणा और पंजाब की बात करा, बहुत कम टूर्नामेंट हुआ है, तो स्किल मतलब दिखाने ज़्यादा मौका कड़ा मिले करता? नहीं, आज की अगर जो बात करें, पहले तो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी थी, पर हरियाणा दिल्ली के नज़दीक होने के कारण हरियाणा के जो खास तौर पे एनसीआर के प्लेयर हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, क्योंकि वो दिल्ली के पास है, दिल्ली में बहुत अच्छी क्रिकेट होती थी पहले। तो आज की डेट की अगर जो बात करें तो हरियाणा में हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने बहुत अच्छा तरीके से अपनी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की क्रिकेट है उसको ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, तो अच्छा कॉम्पिटिशन है। अच्छा, जो अपना गांव गुआंड की बात करा, पे पड़ोसियों की बात करा, बहुत सारे ने के गेम छेड़ दिया क्रिकेट ने, मतलब कबड्डी कुश्ती ने ज़्यादा देख के, अपने पड़ोसियों का गांव में के रिस्पॉन्स था जब अपने क्रिकेट में शुरुआत करी? नहीं, हमारे गांव की टीम बहुत अच्छी थी, तो हमारे गांव की टीम का एक ये था, जो लोग क्रिकेट नहीं भी खेलते थे वो जैसे मान लो किसी गांव में गए हुए, वहाँ पता लग गया कि टूर्नामेंट हो रही है, तो अपने पास से एंट्री भर के आ जाते थे, आके बताते थे गांव में कि भाई तारी एंट्री कर दी वहाँ और फलाने दिन धारा मैच है वहाँ चलना है। तो हमारे गांव में जैसे क्रिकेट का थोड़ा कल्चर था, तो हमारे गांव में इतना कोई ऐसा मतलब नेगेटिव नहीं थी क्रिकेट के बारे में। अच्छा, जो अपना सरपंच हुआ है गाँव का, अपना जो छोटे छोटे हुए करते हैं उसका सामान मांगना जाए करते, हमारा क्रिकेट का सामान दे दे, हमारा प्रैक्टिस करनी है, कभी आप भी गए जी सरपंच का? नहीं, हमारे तो जैसे मैंने बताया ना, मेरे पिताजी और खुद अपना अरेंजमेंट कर लेते थे सारे, क्योंकि सब लोग बाल बच्चेदार हो रहे थे, खेती कर रहे थे, तो इतना कॉन्ट्रीब्यूट कर लेते थे कि अपना सामान ले आए, तो हम लोग फिर उसी में से खेल लेते थे। IPL में कैसे जाना हुआ फिर, कैसे संपर्क हुए जी? नहीं, संपर्क नहीं है, तो जैसे मैं रणजी ट्रॉफी खेलता था, तो रणजी ट्रॉफी में जिनके प्रदर्शन अच्छे होते हैं इनके टैलेंट स्काउट रहते हैं IPL टीमों के, जो हर एक जहां मैच चल रहे होते हैं वहां पे मौजूद होते हैं, तो वो लोग बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करते रहते हैं, उनको फिर ये लोग ट्रायल पे बुलाते हैं, दो तीन राउंड का ट्रायल होता है, उसके बाद फिर बच्चे को सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, क्रिकेट में आप ऑलराउंडर हो या मतलब मैं ऑलराउंडर था। अच्छा अच्छा, जो अपने इंडिया के प्लेयर हैं किन किन प्लेयरों के साथ खेल चुके हो? जो अभी रिसेंट में नए बच्चे जो नए खिलाड़ी आए उनको छोड़ के बाकी पुराने तो सबके साथ खेले। कुछ चेहरे के नाम बता दो।
सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण, विराट कोहली, धोनी, आज धोनी का जन्मदिन भी है। हमारा हमारी रणजी ट्रॉफी की शुरुआत इकट्ठी हुई थी। अच्छा, तो हमारा गुड़गांव में मैच था, मेरा दूसरा साल था रणजी ट्रॉफी में और धोनी का भी वो दूसरा ही साल था। तो धोनी ओपनिंग करने आया था, मैं और जोगिंदर शर्मा हरियाणा की टीम में थे। धोनी उस टाइम पे बिहार की टीम होती थी, झारखंड नहीं होती थी। तो धोनी ने हमारी खूब पिटाई करी थी, ओपनर आया था 85 87 रन बनाए थे कुछ। लकीली फिर जब हमारी बैटिंग आई तो मैंने और जोगिंदर शर्मा ने भी उनकी मतलब अपना पूरा बदल लिया। तो जोगिंदर ने 78 रन बनाए थे, मैंने 137 बनाए थे। अच्छा मतलब को लाइव में ऐसा मैच भी हुआ जी जो अपना जोगर पहली बॉल पर आउट हो गए हो? हाँ, मेरा IPL का पहला मैच था, जो मेरा डेब्यू मैच था उसमें मैं पहली बॉल पर आउट हो गया था। IPL का रिकॉर्ड की बात करा, मतलब अपना की कुछ अपना बना रखा है? नहीं, ऐसा कोई बहुत याद रखने लायक रिकॉर्ड नहीं है मेरा, पर अच्छा जितने मैचों में मुझे मैंने मौका मिला उसमें मेरा ठीक प्रदर्शन रहा। अच्छा। एक मैच को छोड़ के। बिल्कुल। अच्छा, जो IPL की बोली लगी थी, जो पहला सीजन था अपना, कितनी बोली लगी थी टोटल? पहले जो डोमेस्टिक खिलाड़ी होते थे, रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी, उनकी बोली नहीं लगती थी। उनके कॉन्ट्रैक्ट होते थे, वो तो उनका एक क्राइटेरिया तय कर रखा था, तो उसके तहत होते थे वो, 10 लाख 20 लाख 30 लाख होते थे। बिल्कुल। अगर आप टॉप सीजन की बात करें तो कितने की बोली लगी हुई है जी अपना टॉप? मैं बता रहा हूँ ना, मैं बोली की उसमें मैं 30 लाख के ब्रैकेट में होता था, एक साल के 30 लाख। उसके बाद जब रहते थे तो मेरे ख्याल में 10 या 20 लाख रुपए की बोली लगी थी मेरी। एक साल जब मैं पीक पे था उस साल मैं इंजर्ड हो गया था। अच्छा जी, इस साल आप IPL खेले थे, टॉप प्लेयर कौन सा पे कितनी बोली लगी थी अगर याद हो तो? मतलब कॉन्टैक्ट कितने हुए थे, कितने लाख में हुए थे? उस टाइम पे मेरे सबसे महंगा गौतम गंभीर गया था 11 करोड़ में KKR में। अच्छा, उसका वो गया था, गौतम गंभीर गया था। बिल्कुल। एक नॉर्मल टूर्नामेंट हो जैसे IPL का टूर्नामेंट है, के कुछ इनका अलग अलग शेड्यूल है, मतलब कोच के कुछ प्रैक्टिस करा हुआ है, के कुछ अपना डाइट प्लानर हुआ है एक घर तक लेकर उस IPL लग तक? नहीं देखो, IPL के अंदर तो कुछ ऐसा कोई चेंज नहीं होता भाई, आप जो सारा साल मेहनत करके जाते हो वहाँ पे, तो वो लोग आपको बस जो होता है ना, एक मैनेजमेंट होती है उनकी, आपको प्रैक्टिस के सेशन का टाइम आ जाता है, इतने बजे प्रैक्टिस है, इतने बजे बस जाएगी। आपको अपना ध्यान खुद रखना होता है, जो ट्रेनर होते हैं उनके पास आप जाके बताओगे मुझे ट्रेनिंग करनी है, वो आपको चेक करेंगे पहले दिन, जिस दिन आप जाओगे फिजियो ट्रेनर आपको चेक करेंगे क्या क्या बॉडी पार्ट आपका किस तरीके से काम कर रहा है, तो फिर वो उसी पे वर्क करते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि 1-1.5 महीने में कोई भी कोच आपको इतना बदल देगा या कोई खाना आपको इतना बदल देगा, तो जो आदमी का पूरे साल का रूटीन होता है वही फॉलो होता है। बहुत सारे लोग ने कहा है क्रिकेट में स्पैरस चल रहा है, अपना हरियाणा का तो खाता ही को नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं, अपने हरियाणा के अगर जो आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो अपने हरियाणा के कितने प्लेयर अब इंडियन टीम में खेल रहे हैं, आप ये देखो, आप जो इससे बात करो, चहल है, मोहित शर्मा है, जयंत यादव है, उसके बाद आपका अमित मिश्रा है, और राहुल तिवतिया लाइन में लगा हुआ, हर्षल पटेल हरियाणा से खेलता है। तो मान लो हरियाणा जैसे स्टेट से 6 लड़के तो अभी टीम के सेटअप में है, तो और नवदीप सैनी को गिनोगे तो वो भी है तो अपने करनाल का, खेलता भले ही दिल्ली से ऊपर है तो अपने हरियाणा से ही वो। अच्छा मतलब कोई ईसा दिन भी हुआ जी, मतलब आपका गेम अच्छा हो 100% दे रहे हो लेकिन सिफारिश की वजह से कुछ कड़ियाँ रह गए हो? नहीं, सिफारिश का कुछ नहीं होता, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपको भी सेलेक्ट करना है बैठ के, आप सेलेक्टर की कुर्सी बैठे हो और हम 2 जने हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि भाई आपका नज़रिया होता है, आपको एक आदमी थोड़ा सा बढ़िया लगता है और एक थोड़ा सा यूं लगता है कि अच्छा खिलाड़ी है पर मेरे को यूं लग रहा है ये ज़्यादा बढ़िया है, तो उस टाइम पे आदमी उसको थोड़ी प्रेफरेंस देता है। बाकी ऐसी सिफारिश वाली चीज़ मान लो आप 0 रन बनाओगे तो 0 रन बना के कैसे सेलेक्ट होगे, या 0 विकेट लोगे तो कैसे सेलेक्ट होगे? 19-21 का फ़र्क होता है, वो पर्टिकुलर जब सीट पर कोई आदमी बैठता है तो उसकी चॉइस कई बार होती है कि भाई मेरे को ये इस तरीके का खिलाड़ी पसंद है, तो वो उसको थोड़ी सी वेटेज दे देता है। बाकी ऐसी सिफारिश वाली अगर जो बात करें पर्टिकुलर कि भाई आप ये बात करो कि भाई बिल्कुल 0 रन बना कोई सेलेक्ट हो जाएगा, तो वो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है वो क्रिकेट में नहीं। हालांकि मतलब अपना एक जर्नल व्यू रहता है भाई, अपने जहाँ पे कुछ भी है भाई, मान लो कहीं सिलेक्शन नहीं होएगी तो सबसे इजी वे ये रहता है कि भाई सिफारिश वाले ले लिए, कॉमन चीज़ है। अच्छा, जो अपनी बात करा अपना जो जिस टाइम कबड्डी क्रिकेट खेलना शुरू करा था अपन, कितना पैसा कमा लिया?
हिसाब किताब तो है नहीं, पर ठीक है अपने। नहीं अंदाजा कहें कितने करोड़ कमा लिए जी? नहीं ऐसा मतलब बता रहा हूँ ना, कभी हिसाब किताब नहीं, जो भी कमाते थे अपने घर ले आके दे देते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब लिखी तो है नहीं कुछ भी, पर ठीक है बढ़िया। अपना दाल रोटी बहुत अच्छे से भगवान ने दे रखी है, खा रहे हैं बच्चे, बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, माँ बाप ठीक है, भाई का परिवार ठीक है, चाचा के परिवार ठीक है, इतना ही आदमी को चाहिए, बाकी और क्या चाहिए। अच्छा कोई भी गेम की बात करा पा, इंजरी हर एक गेम का गहना हुआ है, कदे मोटी इंजरी हो जिसकी देख के आप लाइफ में डीमोटिवेट हो, गेम भी छोड़ने का मन करे और फैमिली ने भी नहीं साथ दिया हो? नहीं ऐसा तो नहीं, बट मैं एक साल जब इंडिया में मेरे को बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड मिला था, उस टाइम मैं ऑलमोस्ट इंडियन टीम मेन टीम में सेलेक्ट होने वाला था, उस टाइम मेरे कंधे का ऑपरेशन हुआ था। तो उस टाइम उस समय पर थोड़ा यूँ लगा था कि यार भगवान ने मतलब यूँ क्या करया, अभी इतनी मेहनत करके रणजी का सीजन गया, बेस्ट ऑलराउंडर बना हूँ, अभी सिलेक्शन की बारी आई थी, अभी या इंजरी होगी, पर ठीक है। पर खिलाड़ी इसीलिए खिलाड़ी को अलग माना जाता है कि वो एक दिन गिर के अगले दिन फिर सुबह उठ के मेहनत करता है, इसीलिए खिलाड़ी स्पेशल होता है। अच्छा जो फिटनेस की बात करा, कितना के शेड्यूल हुआ है सवेरे या शाम, कितना वर्कआउट हो, टोटल जिम ज़्यादा या रनिंग ज़्यादा, क्रिकेट में के कुछ शेड्यूल हुआ जी पूरा वर्कआउट की बात करा? जैसे हर चीज़ टाइम के साथ बदलती रहती है, पहले जब हम बच्चे थे तो दौड़ने पर ज़्यादा बताया जाता था, उसके बाद धीरे धीरे जब समझ आई तो अपने अपनी, जब आप एक प्रोफेशनल अच्छे लेवल पे आ जाते हो खेलने के, तो उस टाइम पे फिर आपको अपने शरीर का पता लगने लग जाता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस हिसाब से फिर आजकल तो क्रिकेट में, क्रिकेट इतना एडवांस हो गया है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ है, बढ़िया फिजियो ट्रेनर्स हैं, तो वो लोग जैसे ही आप कहीं सेलेक्ट होते हो, मान लो आप रणजी टीम में हो या स्टेट की जूनियर टीम में हो, तो ट्रेनर और फिजियो आपकी बॉडी को एसेस करके आपका पूरे प्रोग्राम बना के आपको देते हैं, तो वो हर 3 महीने के बाद दोबारा आपको एसेस करेंगे, तो वो चेंज होता रहता है क्रिकेट में। अच्छा जब क्रिकेट की शुरुआत कर दी आपने, कभी नहीं सोचा था मेरा भी इतना बड़ा नाम होगा, मैं भी आईपीएल खेलूंगा, देश के लिए खेलूंगा? नहीं नहीं कभी नहीं सोचा था, मैं तो यूँ था बड़ा खेलने में मज़ा आता था, गाँव में खेलते थे, फिर स्टेडियम आने लग गए, तो गांवों में ही मैं मतलब, आज भी आप करनाल में जाके पता करोगे तो करनाल का एक भी कोई गांव ऐसा नहीं है जहां, जिस गांव में मैं जाकर नहीं खेले हुए हूं। अच्छा, रणजी खेलने के बाद भी मैं गांव में खेलता था, पर खेलने में मज़ा आता था, वही है ना, लकी है हम कि भाई जो हमारा क्या बोलते हैं उसके हॉबी प्रोफेशन बन गया। बिल्कुल। अच्छा को आपका जो गाँव की बात करा, को आप तलग भी है जो आईपीएल खेल लिया हो? नहीं नहीं हमारे गांव में अब तो बच्चे खेलते नहीं, हालांकि मतलब हमारे गांव का क्या बड़ा देख के दुख होता है कि भाई आज बच्चे हमारे एरिए में तो खास तौर पर खेलते ही नहीं, और जो खेलते भी है तो वो आजकल टेनिस की बॉल ने बहुत ज़्यादा टैलेंट को ख़राब कर दिया, छोटे छोटे मैच खेलते हैं, शर्तों के मैच खेलते हैं, तो इसलिए बच्चों का जो ग्राफ है वो प्रोफेशनल उससे हट के दूसरी तरफ जा रहा है। बिल्कुल। अच्छा तो जॉब के संपर्क कैसे हो, कौन सी जॉब पर आजकल? मेरी ONGC कंपनी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, पहले मैं उन्होंने सन 2005-06 में मेरे को उन्होंने स्टाइफंड पे लिया था, एक साल जब उनके लिए खेला मैंने, परफॉर्मेंस अच्छी करी, 2007 में मेरी फिर नौकरी लगी थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा मतलब पक्के हो गए थे? पक्के। अच्छा जो अपना हरियाणा की बात करा, जो DSP वगैरह की हरियाणा में कौन ही मिली अपना, पुलिस की बात करा तो? नहीं वो DSP का रैंक जब मिलता है जब आप वर्ल्ड कप वर्ल्ड लेवल का कोई इवेंट जीत के आते हो, ऐसा नहीं है कि अगर जब आप खाली रिप्रेजेंट करके आओगे तो आपको DSP का रैंक नहीं मिलता। और फिर मेरे को मतलब एक लॉयल्टी भी चीज़ होती है, जब हम कुछ नहीं थे तब ONGC ने हमें सपोर्ट करा, फिर नौकरी दी मेरे को, नौकरी मिलने के बाद असली वैल्यू नौकरी की, नौकरी लगने के बाद पता लगती है, पहले नहीं पता लगती, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कहीं और, ट्राई भी नहीं करा। अच्छा शायद और महकमे की शायद टीम है भी कोई जो है ONGC की बढ़िया टीम होगी शायद? बहुत बढ़िया टीम थी ONGC की, एक टाइम पे हमारी ONGC के 7 खिलाड़ी इंडिया की टीम में थे। अच्छा अच्छा बिल्कुल। अगर क्रिकेट की बात करा तो क्रिकेट के लिए बेस्ट जॉब कौन सी है? मतलब जब आप खेल रहे हो फिर तो सारी जॉब बेस्ट है, क्योंकि जाना तो होता नहीं, कहीं खेलना ही है आपको, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई क्रिकेट के बेस्ट जॉब तो खेलना ही है एक खिलाड़ी के लिए, ये तो ये है कि भाई नौकरी लगने के बाद फैमिली की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि क्योंकि एक खिलाड़ी के जीवन में ये नहीं पता कि उसको कब इंजरी हो जाएगी और कितनी बड़ी इंजरी हो जाएगी, आज आप पूरे
टॉप पे चल रहे हो, पता लगा आपको कल इंजरी होगी, उसके बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। तो नौकरी इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर जो कुछ भगवान ना करे किसी खिलाड़ी को ऐसी इंजरी होगी कि जो उसके गेम के करियर में जो है बड़ी नुकसानदायक है, वो कभी खेल नहीं पाएगा या उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा, तो उस टाइम पे नौकरी आदमी की पूरे परिवार को संभालती है। अच्छा भाइया ने बीएम स्पोर्ट्स ग्रुप की एक लीग भी करवा गया, टूर्नामेंट भी कराई, उनका बारे में क्या विचार है जी अपने? बहुत बढ़िया, मैंने अभी आप लोगों से ही थोड़ी चर्चा में पता लगा था जिस तरीके से आप लोग पुराने खिलाड़ियों का ध्यान रख रहे हो, उभरते हुए खिलाड़ियों का ध्यान रख रहे हो, तो आपकी टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। मेरी बहुत शुभकामनाएं आपके साथ, और जीवन में कभी अगर जो मैं आप लोगों का कुछ छोटा मोटा जो भी सहयोग कर पाया तो कभी हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा भाई। अच्छा बहुत सारे जो अपना गाँव की बात करा, क्रिकेट में टैलेंट भी है लेकिन उनकी अच्छी अकेडमी नहीं मिल रही, अच्छा प्रैक्टिस करवाने वाला नहीं मिल रहा, उनका बारे में क्या कहना चाहोगे, कौन सी बढ़िया एकेडमी है अगर आप चाहो तो? नहीं देखो, सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, एकेडमी सब जगह एक जैसी है क्योंकि क्रिकेट खेलने का तरीका तो एक ही है, पर थोड़ा सा ये है कि भाई आप ये थोड़ी सी जान छानबीन करके एकेडमी में जाओगे, वहाँ सिखाने वाला कैसा है, वो खिला हुआ है नहीं खिला हुआ है, क्योंकि एक खिला हुआ खिलाड़ी ज़्यादा अच्छे से अपने तजुर्बे प्लेयरों के साथ शेयर कर सकता है रादर देन, क्योंकि आजकल तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यूट्यूब चैनल पे ही कोचिज भरे पड़े हैं, कहीं पे भी आप किसी भी बारे में आप देख लो, पर वो अधूरा ज्ञान है, वो बच्चे को कहीं किसी डायरेक्शन में नहीं लेके जाता। हाँ यूट्यूब पर भाई सुई तले लेकर जहाज बनाना तक की जानकारी है, टोटल कुछ भी सर्च कर लो। अच्छा लास्ट में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा आपके चैनल के माध्यम से सारे हरियाणा के जो भी आपके दर्शक हैं उनको यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैदान में भेजें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल ज़िंदगी जो है मैदान से निकल के मोबाइल में रह गई है। और एक और भी चीज़ है कि अगर जो बच्चा खेल लेगा तो उसके अंदर जो है टफ सिचुएशन से लड़ने की भावना ज़्यादा बढ़ेगी। आजकल आप देखोगे कि बच्चे ज़रा सा कोई किसी के कम मार्क्स आए, फेल होए, तो सुसाइड के केस कितने बढ़ गए, वो इसीलिए हैं क्योंकि बच्चे कहीं कम्पीट ही नहीं करते किसी भी लेवल पे। ज़रूरी नहीं है यार बच्चा इंटरनेशनली खेलेगा, बट जब पहले टाइम पे आप अपने भी याद करोगे, हम भी अपनी याद करते हैं बचपने में हम लोग इतने खेलते थे, क्योंकि खेल क्या है आपको गिर के दोबारा उठना सिखाता है, तो उससे बच्चे का जो है मोटिवेशन लेवल हमेशा अप रहता है। तो अपने बच्चों को खिलाओ, एक तो नशे से दूर रहेंगे, दूसरा उनमें कंपटीशन की भावना रहेगी, डिप्रेशन से दूर रहेंगे, लड़ने की क्षमता बढ़ेगी उनकी। अच्छा एक और सवाल रहेगा जी अपना, बहुत बड़े बड़े जैसे महेंद्र सिंह धोनी की, सचिन तेंदुलकर की बात करा, मिलना ही बहुत औखा हो रहा है, लेकिन आप इतना बड़ा लेवल पर जानते हो नहीं, आज भी गांव में रहो, एक नॉर्मल इंसान की तरह रहो, इसका क्या राज है, मतलब क्यों नहीं बाहर जाने की सोचा? नहीं ऐसा नहीं है, अपनी जड़ों से आदमी को जुड़े रहना चाहिए भाई। आज भी आप देखोगे, मान लो गाँव में शुद्ध हवा है, शुद्ध खाना पीना है, शहरों में तो पानी भी पैसों के हैं, हवा भी पैसों की होगी, अब तो ये प्यूरीफायर लग गए, एयर प्यूरीफायर, हर चीज़ बड़े शहरों में, तो अपना गांव शांति है भाई, अपने यार दो बचपना यहीं बीता, मज़ा यहीं आता है जब अपनों में बैठते हैं, आके अपने घर पे बैठते हैं, गाँव में बैठते हैं। आजकल वो वाला टाइम तो नहीं रहा बुग्गी पे बैठने वाला, पर ये है कि अपना खाट पे तो बैठ ही जाते हैं आगे बैठक, बुग्गी पे बैठ तो जाओ, बुग्गी को नहीं रही आजकल तो मोटरसाइकिल का बच्चा रेडी लेके जुड़े। मैं वही कह रहा हूँ ना कि बुग्गी वाला टाइम तो नहीं रहा, पर ये है कि अपनी बैठक में खाट पे आज भी बैठते हैं जाके गाँव में। अगर क्रिकेट प्लेयर नहीं होते तो कौन सा गेम यूज करते जी आप? पता नहीं भाई, ये तो देखो मैं क्या बताऊँ, ये तो मैंने तो ये भी नहीं सोचा था मैं क्रिकेट का प्लेयर बनूंगा, बस क्रिकेट बढ़िया खेलते खेलते मज़ा आता था, खेलते खेलते प्लेयर बन गए, कुछ अभी कभी ऐसा सोचा नहीं था भाई क्रिकेट के खिलाड़ी बनेंगे। तो ये तो पता नहीं भाई किसके होते भी कि नहीं होते किसी के प्लेयर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर क्या अपने विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देने, वीडियो ने शेयर कर दिया भाई, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।